आगरा में लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार। कॉलोनियों के मुख्य द्वार पर लगा चुनाव बहिष्कार का बैनर। अधिकांश मकानों पर लगे मकान बिकाऊ के बैनर। नेता और अधिकारी उड़ा रहे हैं सरकार के विकास की धज्जियां। 9 विधायक, 2 सांसद और नगर निगम ने नहीं समझी विकास की जरूरत। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे परत दर परत विकास की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गुस्साए लोग नेता और अधिकारियों को विकास की हकीकत दिखा रहे हैं, लेकिन उदासीन बैठे अधिकारी और नेता समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जहां बरौली अहीर नगला कली में लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद भी गंदगी का निस्तारण नहीं हुआ है। कॉलोनी निवासियों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से शिकायत की गई है, लिहाजा 15 वर्षों से विकास के लिए आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन विकास तो चली क्या, अधिकारियों ने इस कॉलोनी की तरफ आकर भी नहीं देखा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी में 10 से 15,000 वोटर हैं, लगभग 3,500 मकान मौजूद हैं, इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि आज तक लौट कर नहीं देखा है। वहीं कॉलोनी में विकास न होने को देखते हुए लोगों ने नारा दिया है, जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक वोट नहीं। विकास न होने को लेकर कॉलोनी वासियों ने जमकर नारेबाजी की है और जनप्रतिनिधियों से विकास की उम्मीद जाहिर की है। अभी 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र में कई कॉलोनियां जो कि ADA अप्रूव्ड हैं, उनमें बैनर लगे हैं कि यदि विकास नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, नाला नहीं तो वोट नहीं और कूड़े का अच्छी तरह से निस्तारण नहीं तो वोट नहीं। ये समस्याएं तो लगभग पिछले 15 साल से है, लेकिन सभी कॉलोनियाँ आपस में इंडिविजुअली प्रयास कर रही थी, एकजुट प्रयास अभी तक नहीं हुआ था। ये हम लोगों का पहला प्रयास है। हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई है, क्षेत्रीय मूलभूत सुविधा निस्तारण संघर्ष समिति, उसके बैनर तले हमने लगभग 20 कॉलोनियों में ये बैनर लगाए हैं और लगभग 15-20 और कॉलोनियों ने हमें इसके रिगार्डिंग हम लोगों से बात किया, वो भी अपनी कॉलोनियों के बाहर इस तरह के बैनर लगाएंगे। लगभग अभी जिन कॉलोनियों में लग चुका है लगभग 10,000 की आबादी तो है। एक ना तो पानी की सुविधा, ना कोई वो सड़क की सुविधा, बच्चे आए दिन गिरते हैं और आदमियों को भी बहुत दिक्कतें होती है आने जाने में। बारिश आ जाए हाँ? तो बिल्कुल कहाँ से, रोज बच्चे रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज गिरते हैं बच्चे, कहाँ तक वो करे। अब तो यही लग रहा है कि यहाँ से बेच बेच के जाओ अपना मकान। गंदगी हमने इसीलिए लिया था रहने के लिए, चलो अच्छी जगह पे रहेंगे हम, लेकिन क्या मतलब है इसका रहने का। कितनी कॉलोनी में ये बैनर लगे? 20 कॉलोनी में हो गए कम से कम। कॉलोनी के कितने निवासी होंगे टोटल? अब निवासी तो बहुत होंगे, 10-12 हज़ार तो होंगे कम से कम, इसमें ही काफी लोग हैं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो 10-12 हज़ार जो व्यक्ति रह रहे हैं तो क्या है, कहीं ना कहीं तो लेंगे, फिर मजबूरी बस जाना पड़ेगा छोड़ के, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कचरा निकासी, सीवर ओवरफ्लो का निकासी और ये नाली सड़क और हमारी कॉलोनी के अंदर आधी ज़्यादा सड़कें ऐसी हैं जहाँ आदमी रह नहीं सकते। हम चाहेंगे आपके माध्यम से, हम सभी अथॉरिटीज़ को ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि जाकर के एक बार हमारी कॉलोनी में वो सड़कें देखें कि लोग वहाँ कैसे रह रहे हैं, ADA अप्रूव्ड कॉलोनी का चार्ज दे करके भी। और इसकी शिकायत हमने माननीय ADA उपाध्यक्ष को, माननीय मंत्री महोदय बेबीलाली मौर्या के लेटर पैड पे दी थी, उन्होंने बोल दिया हमसे, उनके मुख्य समन्वय अधिकारी ने हमको बोला था कि हमारा काम सिर्फ नक्शा काटना है, आप अपनी कॉलोनी का टंकी रिपेयर कराइए, टंकी टूटी। हमने अपनी टंकी का करीब 3 लाख से ऊपर का एस्टीमेट आपस में कलेक्ट करके रिपेयर कराया, जो आज भी ठीक नहीं है, आज भी वो है। और हमें उन्होंने ऐसे भेजा था पिछले उपाध्यक्ष के कहने पर, लेकिन उसका कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुआ है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक कुछ नहीं है। हम लोग सभी शिक्षित हैं, वोट देंगे, लेकिन वोट कहाँ देंगे ये सभी लोग समझ लें, क्योंकि हमें हमारी किसी भी कॉलोनी में 10 से 12 हज़ार की आबादी है जहाँ ये सब पीड़ित हैं। और ये नगला कली से रजरई के लिए कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी अपनी गाड़ी से जाकर दिखा दे और हमारी समस्या अगर कोई नहीं सुनेगा तो इसी तरह से हम मतलब बहुत ही मतलब विनम्रतापूर्वक आंदोलन करेंगे, इस आशा के साथ कि हमें सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई पर हमारा विश्वास है। पानी का निकास नहीं है, सीवर लाइन का कोई नहीं है,
साधन नहीं है, आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि रोडें सारी खराब पड़ी हुई हैं। बच्चे कहते हैं कितने कॉलोनी में लगे? 20 बैनर लग चुके हैं। आसपास की कॉलोनियों में भी यही दिक्कत है। क्या आपने कभी इसकी शिकायत उसके अधिकारियों से? अभी कई बार की है, बोलेंगे इसको बताएंगे, कई बार की है पर कोई सुनवाई नहीं है इसकी। और जब बोर्ड हो चाहिए, हाँ हाँ खूब कही है क्षेत्रीय विधायक, तो यहाँ पर कभी लिखित में भी दी है। बेबी रानी मौर्य जी हैं जो मंत्री जी भी हैं। तो क्या उन्होंने सुनवाई का समाधान किया? कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई नहीं मिलता है। आते हैं आश्वासन मिला, चिट्ठी लिखी गई थी उनके द्वारा, ये यहाँ निकासी नल की निकासी पानी जो भरा हुआ होता है वो निकलने के लिए बने सीवर लाइन की निकले, सीवर लाइन का जो जल भर जाता है बारिश का भर जाता है। 15 साल हो गए, 15 साल से आपको कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है।